हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिर्फ फोटोशॉप नहीं, उसके साथ साथ व्हाट्सएप का भी एक ट्रिक सीखेंगे। अगर व्हाट्सएप में किसी ने मेरे को कुछ फ़ोटो भेजा है तो उस फोटो को हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए आते हैं, तो उस फोटो को हम लोग डाउनलोड करने के बाद जब फोटोशॉप में खोलते हैं तो वो कुछ एरर आता है, वो खुलता नहीं। तो आज हम लोग वही सीखेंगे, दो तरीका सीखेंगे कि व्हाट्सएप का फ़ोटो डाउनलोड करने के बाद वो व्हाट्सएप में हम लोग कैसे, ये फोटोशॉप में हम लोग कैसे लाएंगे और उसको कैसे एडिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने किसी ने मेरे को भेजा है, तो मैं इस फ़ोटो को डाउनलोड करता हूँ। देखिए, इस फ़ोटो को मैं यहाँ पर डाउनलोड बटन जो है इसमें डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर नीचे डाउनलोड हो गया, देखिए। तो डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, शो न्यू फोल्डर, या तो आप डायरेक्टली डाउनलोड फोल्डर में जा सकते हो। ये फ़ोटो मेरा डाउनलोड हो गया। अब इस फोटो को अगर मैं फोटोशॉप में खोलूँगा, इसको मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में खोलना चाहूँगा। तो जैसे फोटोशॉप लेके आया मैं और ये फोल्डर लेके, फोटोशॉप में अगर इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करके खोलना चाहूँगा तो ये एक एरर देता है जो फोटोशॉप में खुलने नहीं देते हैं। तो इसको हम लोग कैसे खोलेंगे, इसका दो तरीका है। तो चलिए दोनों तरीका मैं बताता हूँ। तो प्रोजेक्ट दिखाने से पहले सभी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट है, जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे में देखिए सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कर दीजिएगा और मेरे सारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए उसके पास में जो बेल आइकन, उसका जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए क्या करता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ। इस फोटो के ऊपर ये दो तरह से होता है, जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको एडिट में जा सकते हो। एडिट में जाने के बाद ही वो ऑटोमेटिकली पेंट में खुल जाएगा। देखिए, यहाँ ऊपर में लिखा पेंट, ये पेंट में खुल जाएगा। पेंट में खुलने के बाद आपको इसे कुछ नहीं करना है, सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल एस मतलब सेव, कीबोर्ड से आप कंट्रोल एस प्रेस कर दो। देखिए, फिर आप इसको बंद कर दो, फिर आप इस फोटो को फोटोशॉप में लेके आओ। देखो, वो खुल जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया, आप फोटो के ऊपर जाके इस तरह से आप राइट क्लिक करने के बाद एडिट कर सकते हो। एडिट करने से वो संग संग पेंट में खुल जाएगा और उसको कंट्रोल एस मार के बंद कर दीजिए, फिर वो फोटोशॉप में इस तरह से यूं खुल जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, इस फोटो को पहले डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, ये एरर आया। दूसरा तरीका क्या है, देखिए, मैं व्हाट्सएप में गया, इसको वापस डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड बटन है, डाउनलोड कर दिया और यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अभी इसको मैं खोलने जाऊँगा, सेम चीज़ है, इसको खोलने जाऊँगा तो ये नहीं खुलेगा, ये एरर आएगा। तो उसको खुलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे किसी भी एक ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र खोल लीजिए, वहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ले लीजिए। क्या करना है, अब यहाँ पे जाओ, इस फोटो को ड्रैग करके इस ब्राउज़र के ऊपर दे दीजिए, इस ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा। इसको अब एक चीज़ करते हो, इसको राइट क्लिक करने के बाद सेव एस करते कर सकते हो। सेव एस करने के बाद ऑटोमेटिक खुल जाएगा, या तो आप यहाँ पे कॉपी इमेज कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद फोटो के ऊपर यहाँ पे कॉपी इमेज, फिर आप फोटोशॉप में जाओ, यहाँ पे फाइल में जाके कंट्रोल एन बोल के न्यू फोल्डर ले लीजिए और यहाँ पे साइज ऑटोमेटिक इस फोटो जिस उस फोटो का जो साइज है वही दे देगा। आप यहाँ पे रेजोल्यूशन उसका थोड़ा बढ़ा सकते हो, मैं इसको 200 कर दिया। साइज 1280 या 960 वो ऑटोमेटिक उसका है, तो दे दिया। फिर आप इसको एडिट में जाके इसको पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल वी से भी कर सकते हो या तो यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो। देखिए, फिर आप इसको सेव कर लो या एडिट कर लो या कुछ भी कर लो, आपका आसानी से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दो तरीके से आप आसानी से व्हाट्सएप का फोटो को, ये व्हाट्सएप वाला फोटो को आप फोटोशॉप में आसानी से निकल सकते हो और उसको एडिट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक्स इतना ही था, फिर मिलेंगे नया कुछ वीडियो, नया कुछ ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।